हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक वंस अगेन विद द न्यू वीडियो ऑफ क्लास 10। तो भैया दिस इज द पार्ट 2 ऑफ द चैप्टर फेडरलिज्म। ठीक है, फेडरलिज्म ऑलरेडी हम लोगों ने चैप्टर क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर दिया था एंड वी हैव टू कंटिन्यू इट। व्हाट आई सपोज वी कंप्लीटेड, पीछे शांति बनाए, ऊपर बोर्ड लिखा है उसको पढ़ें। तो बेसिकली वी स्टार्टेड दैट चैप्टर एंड हम लोगों ने ओवरऑल कर क्या लिया है अभी तक। तो व्हाट आई बिलीव द वेज थ्रू विच वी कैन प्रैक्टिस फेडरलिज्म, ये शायद हमारा लास्ट टॉपिक रहा होगा। शुरू से रिविजन करवाते हैं, ठीक है, सुन लो कोई बात नहीं, चलो। तो चैप्टर इज फेडरलिज्म, थोड़ा क्विक करेंगे। द चैप्टर इज फेडरलिज्म एंड बेसिकली आई जस्ट टोल्ड यू द टर्म फेडरलिज्म derives for democracy. It's a way to practice democracy. मैंने आपको शायद बताया होगा कि we have two type of system to, you can say, promote या to maintain या to process democracy. First system is called unitary and second is called federal. I just told you that in a unitary system we have one single head of the state. हेड ऑफ द स्टेट कहने का मतलब होता है हेड ऑफ द कंट्री एंड जनरली इन द पोस्ट, इन दिस पोस्ट ऑफ सेंट्रल हेड वी ऑब्जर्व प्रेसिडेंट। सो द प्रेसिडेंट ऑफ एनी कंट्री इन अ यूनिटरी सिस्टम माना जाता है कि ही इज द सिंगल हाइएस्ट इलेक्टेड, बहुत इंपॉर्टेंट है, ही इज द सिंगल हाइएस्ट इलेक्टेड बॉडी, इलेक्टेड बॉडी। ठीक है, ये भी बात दिमाग में रखना, 100% लाने में पहले जो स्टूडेंट्स हैं वो इन्हीं बारीकियों पे काम करते हैं पेपर में, है ना। सो ऑलवेज रिमेंबर इन अ यूनिटरी सिस्टम द सेंट्रल हेड ऑफ द या हेड ऑफ द स्टेट हु ही और शी इज कॉल्ड प्रेसिडेंट इज द इलेक्टेड बॉडी। मतलब क्या है, यहां चुनाव भी होता है राष्ट्रपति के पद का। ठीक है, हमारा भारत एक फेडरल देश है, कंट्री है, हमारे यहां प्रधानमंत्री के पद का चुनाव नहीं होता है। दिमाग में तौर पर रख लो, नरेंद्र मोदी का चुनाव प्रधानमंत्री के लिए नहीं हुआ था, वाराणसी की जनता ने नरेंद्र मोदी को सिंपल अपना सांसद एमपी चुना है। ठीक है, वो लीडर ऑफ द हाउस है एंड दिस इज द रीजन ही बिकम द प्राइम मिनिस्टर। तो इंडिया में क्या है ना, जिसको हेड ऑफ द कंट्री बोलेंगे फॉर इंडिया, ही इज प्राइम मिनिस्टर, ही और शी इज प्राइम मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर इज अ सिलेक्टेड पर्सन। ये इलेक्टेड है और ये सिलेक्टेड है, क्यों, क्योंकि इनको लोकसभा के ज्यादा सांसदों ने मिलकर अपना नेता चुना, अपना नेता चुना है, इसीलिए प्रधानमंत्री है। आज अगर लोकसभा के सांसद लोग मिलके बोल दे कि हम नरेंद्र मोदी को अपना नेता नहीं मानते हैं, अभी के अभी उनका प्रधानमंत्री पद खत्म हो जाएगा, अभी के अभी खत्म हो जाएगा प्रधानमंत्री का पद। आप देख लो महाराष्ट्र में यही तो हुआ, शिवसेना के ही विधायकों ने मिलके, है ना, उद्धव ठाकरे से बगावत की और भाग गया एकनाथ शिंदे के साथ और खत्म हो गया उनका चीफ मिनिस्टरशिप। तो ये फेडरल स्ट्रक्चर में होता है कि जो हेड ऑफ द स्टेट होगा या हेड ऑफ द कंट्री होगा वो एक सिलेक्टेड बंदा होगा, इलेक्टेड नहीं है उस पद के लिए। ये अंतर है, पहला अंतर। द सेकंड रीज द डिफरेंस इज स्टेट इज गवर्न्ड बाय गवर्नर्स एंड द गवर्नर्स आर सबऑर्डिनेट, ध्यान रखना, दे आर द सबऑर्डिनेट ऑफ प्रेसिडेंट, मींस दे विल वर्क अंडर हिम या हर, whoever whatever passed by him or her will accept it to him या हर, गवर्नर उसको मानेगा या मानेगी, जो राष्ट्रपति लॉ बनाएगा या बनाएगी, क्लियर है बात। बट इन अ फेडरल स्ट्रक्चर क्या होगा, स्टेट इज गवर्न बाय चीफ मिनिस्टर एंड अगेन चीफ मिनिस्टर इज सिलेक्टेड पर्सन। ये कौन है, ये सिलेक्टेड बंदा है, बंदी है ना, और ये क्या है, ही इज फ्री, He is having free powers, और इसी को हम लोग आगे पढ़ेंगे स्टेट लिस्ट में। इनके पास अपना jurisdiction है, आपके पास एक लिस्ट दिया हुआ है फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म का,
उसमें ये प्रॉपर लिखा है पॉइंट में, सेपरेट ज्यूरिडिक्शन एंड पावर फेडरल स्ट्रक्चर में. उसका मतलब एक मुख्यमंत्री के पास अपने पावर्स हैं एंड ही इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर. द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कैन नॉट फोर्स एनी चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया टू ओबे और टू डू एनी सिंगल वर्क अंटिल अनलेस द चीफ मिनिस्टर इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाई द प्राइम मिनिस्टर. मतलब योगी आदित्यनाथ जब प्रधानमंत्री की हर बात को मानते हैं, इसका मतलब यह है कि योगी आदित्यनाथ बीजेपी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इन्फ्लुएंस्ड हैं, दोनों एक ही पार्टी के हैं इसीलिए. लेकिन नीतीश कुमार मानने को बाध्य नहीं है, ममता बनर्जी तो मानबे नहीं करेगी, कहेगी जेठाला हो गए चलवे ना दादा, यहाँ दीदी का पावर चलता है, दादा का चलवे ना, मैं मांगा तुम जाओ वहां जाके खेला दिखाओ, यहाँ चलेगा ना है. तो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली द सेकंड फीचर. और यही दो आपको डिफरेंस लिखना है, ये क्वेश्चन एक नंबर से आने का नहीं आएगा. काम खत्म है आपका. यूनिटरी और फेडरल का स्ट्रक्चर भी मैंने बता दिया. हाँ एक और बात सॉरी बता दू, हियर यू विल गेट बेसिकली यूनिटरी में क्या होता है, मैक्सिमम टू टीयर्स या टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होंगे, ठीक है, सेंट्रल एंड स्टेट. बट फेडरल में टू और मोर देन टू भी हो सकता है टीयर्स या लेवल. एग्जाम्पल के तौर पर अपना इंडिया ही है, जहां पे दिया हुआ सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल एंड लोकल लेवल. लोकल लेवल में क्या आता है, इन अ टाउन एरिया, इन अ अर्बन एरिया वी हैव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड इन अ रूरल एरिया वी हैव पंचायती राज. दिमाग में रखिएगा कि यहां पंचायती राज व्यवस्था है, ठीक है. तो ये हो गया आपका पता यहां पे. ये फीचर्स आपको पॉइंट वाइज दिया है तो आप उसको इजीली रीड कर लेंगे. उसके बाद एक प्रश्न आया था निकल के कि व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू परफॉर्म फेडरलिज्म या टू प्रैक्टिस फेडरलिज्म. बोलो. अच्छा फीचर का नंबर फोर बता दें. तो भाई फीचर का पॉइंट नंबर फोर है, द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलैटरली चेंज. देखो ध्यान दो, इसको समझने के लिए ना ये समझो कि ज्यादा अच्छा होगा. वी हैव सेंट्रल लिस्ट, वी हैव स्टेट लिस्ट, वी हैव कंकरेंट लिस्ट एंड वी हैव रेसिडियरी लिस्ट. ये जो लिस्ट है क्या है, ये जो मैंने अभी लिखा, दीज आर द सब्जेक्ट्स या पावर्स एंजॉयड बाई एवरी लेवल ऑफ गवर्नमेंट. तो जो अलग अलग लेवल से सरकार का, गवर्नमेंट का, उनके द्वारा यूज किया जाने वाला ये पावर है जिसकी अभी मैं बात करने वाला हूं. यहां पे कंकरेंस में कितना, सॉरी सेंट्रल में है कितना, तो 97 सब्जेक्ट्स. अब ये सब्जेक्ट्स कैसे सब्जेक्ट हैं, डिफेंस, मनी, करेंसी, फॉरेन अफेयर्स, सेंट्रल एजुकेशन सिस्टम, नेशनल हाईवेज मींस रोड्स, रेलवे, एयरवेज, बाउंड्री, ये कुछ ऐसे मैटर है, मुद्दे हैं जिन पे कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल केंद्र सरकार को है, मतलब मोदी जी को है. इस पे कोई भी राज्य का मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर सकता. रुपए पैसे से जुड़ा हुआ कोई भी लॉ होगा तो वो कौन बनाएगा, केंद्र की सरकार बनाएगी. राज्य की सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती है क्योंकि ये उनके पावर में ही नहीं है. ज्यूरिडिक्शन इसी को कहा जाता है. स्टेट के पास 67 पावर्स है, 66 सब्जेक्ट्स हैं. और ये 66 सब्जेक्ट्स जो है इनमें क्या आ जाएगा, सपोज कर लो इसमें आ जाएगा आपको स्टेट पुलिस, स्टेट इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, स्टेट एजुकेशन, टैक्स, ये कुछ रोडवेज, ये कुछ ऐसा टॉपिक है जो स्टेट के पास है, मतलब राज्य के पास है कि राज्य में क्या क्या व्यवसाय होगा,
राज्य में इरिगेशन सिस्टम कैसा होगा, बिहार सरकार यानी कि बिहार बोर्ड कैसे अपना फंक्शन करेगी, ये सब राज्य सरकार देखती है। राज्य सरकार का अधिकार है, इसमें केंद्र सरकार कुछ नहीं कर सकता। हर राज्य की अपनी अपनी पावर है। एग्जाम्पल के तौर पर आप बिहार में है तो आप हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी में अपनी बिहार बोर्ड की किताबें हिंदी में होती हैं, है ना। लेकिन आप जब जाएंगे तमिलनाडु, वहां पे आपको तमिलनाडु बोर्ड की जो किताबें होंगी वो तेलुगु में होंगी एज वेल एज इन इंग्लिश, है ना। आप महाराष्ट्र चले जाए, वहां की किताबें मराठी में होंगी, है ना। गुजरात में गुजराती में होगी, एंड दे आर फ्री टू डू दैट। वेस्ट बंगाल में बंगाली किताबें होती है, बंगाली में होती है गवर्नमेंट स्कूल की किताबें। तो कहने का मतलब है कि ये उनकी अपनी पावर है, वो जैसा कर सकते हैं वो करेंगे। अब कंकरेंट लिस्ट की बारी है। हियर वी हैव 44 सब्जेक्ट्स, और इन 44 सब्जेक्ट्स में आता है सब्जेक्ट्स लाइक मैरिज, डाइवोर्स, एजुकेशन, यू कैन से अडॉप्शन, अडॉप्ट करने की पॉलिसी, एग्रीकल्चर भी इसमें आ जाएगा। क्या बोलो, ये नोसर नोसर ही बेकार आ जाता है। या तो गलत बोलोगे या सही बोलोगे। अगर गलत सही बोलोगे तो अच्छा होगा, इंप्रेशन जम जाएगा, बढ़िया आपको ना पढ़ के आइए। अगर गलत मन में कुछ चल रहा होगा तो करेक्ट कर देगा टीचर। तो काफे सरवाना या कोई 30 मार्क खान नहीं बैठा है। बोलो बोलो क्या चीज पालन, बाउंड्री प्लानिंग, ये तो सेंट्रल का हिस्सा है, है? नहीं, स्टेट की बाउंड्री भी सेंट्रल का हिस्सा है शायद, जहां तक मुझे पता है। क्योंकि किसी राज्य की सीमा कहां तक होगी ये वो राज्य सरकार तय नहीं कर सकता। अगर ऐसा होगा तो आप इमेजिन कीजिए, यूपी की सरकार ज्यादा पावरफुल है इन कंपैरिजन टू बिहार, तो यूपी बिहार का हिस्सा हड़प लेगा, कहेगा जो हुआ तक हम मतलब गोरखपुर के बाद जितना बिहार पड़ता है, कहेगा जी सब बिहार है नहीं यूपी में है, चढ़ जाएगा यूपी सरकार बिहार पे, है ना। बिहार वाला वेस्ट बंगाल में घुस जाएगा। तो अगर राज्य सरकार पे छोड़ दिया जाए तो फिर ये मैटर गड़बड़ हो जाएगा। अब कंकरेंट में है या नहीं इस पर मुझे डाउट है, हो सकता है। देखो कंकरेंट में वैसे टॉपिक्स आते हैं जिसमें की बहुत इंपॉर्टेंस है ये समझना। हियर द पावर्स गिवन टू बोथ, पावर्स गिवन टू बोथ, बोथ का मतलब सेंट्रल एज वेल एज स्टेट। देखो कंकरेंट लिस्ट में जितनी बातें हैं बहुत ध्यान से याद रख लीजिए। ऑल द मैटर्स ऑफ कंकरेंट लिस्ट, ऑल द सब्जेक्ट्स ऑफ कंकरेंट लिस्ट इज कम अंडर द कंट्रोल ऑफ बोथ सेंट्रल एंड स्टेट, बट इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट द पॉलिसी मेड बाय सेंट्रल विल ओनली इम्पोज। अगर केंद्र और राज्य द्वारा बनाए गए कानून अलग अलग हुए, पृथक हुआ, उनमें मतभेद पैदा हुआ, तो वैसी अवस्था में केंद्र द्वारा बनाए गए कानून को ही मान्यता दी जाएगी और वही लागू होगा। यह है कंकरेंट लिस्ट का ओवरऑल बेनिफिट। रेसिड्यूली में हमारे पास एक ही है, वो है आईटी, और ये भी सेंट्रल के पास है। अब मैंने इतना सारा रामायण आपको ये समझाने के लिए, वो चार नंबर पॉइंट समझाने के लिए बताया है। क्यों बताया? अभी आप देखो इन सबको सुन के ऐसा लग रहा होगा कि भैया 100 तक केंद्र के पास है, मतलब ले दे के 66 चीज है स्टेट के पास। बात है कि यहां भी 44 सेंट्रली सेंट्रल के पास ही पावर ज्यादा है, यहां 97 सेंट्रल के पास ही है, तो सारी मेन पावर तो सेंट्रल के पास ही है। तो यानी सब सेंट्रल के पास है, तो मतलब जिसकी सरकार सेंट्रल में होगी वो बंदा तो जो चाहे वो कानून बना ले, जो चाहे वो कर ले। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। तो भैया ऐसा क्यों नहीं हो सकता और ऐसा हो भी सकता है? मैं दोनों बातें बताऊंगा। पहले ये समझो कि क्यों नहीं हो सकता। क्यों इसलिए नहीं हो सकता कि वन हु इज अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, ध्यान से समझना, दे आर कॉल्ड एमपी एंड दे आर द मेंबर्स ऑफ लोकसभा। याद रखना जनरल इलेक्शन लोकसभा का होता है और ये लोग एमपी बनते हैं, और लोकसभा में जो मेजॉरिटी ग्रुप होगा वही रूलिंग पार्टी बनेगा, जो आज के डेट में बीजेपी है। लगभग 330 सीटें उनके पास है,
तरीके से लोकसभा में एमपी, लोकसभा का एमपी बीजेपी मेजोरिटी पार्टी चुनाव जीत गया है ना। अब स्टेट आया, स्टेट से भी कुछ एमपी चुने जाते हैं, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लेकिन ये जो एमपी होते हैं वो होते हैं राज्यसभा के, राज्यसभा। अब यहां लॉजिक का मैजिक समझो क्या है, लोकसभा में पिछले चुनाव में 2019 के चुनाव में जहां तक मुझे याद है आरजेडी का शायद एक भी एमपी नहीं जीता था, आरजेडी का, लालू जी की पार्टी का एक एमपी जीता होगा, एक कोई एमपी कोई नहीं जीता था, ठीक है। ज्यादातर सीटें बीजेपी और जेडीयू ने ही जीती थी लोकसभा 2019 की, मैं बात कर रहा हूं। लेकिन 2020 की जब विधानसभा हुई, मतलब स्टेट इलेक्शन, उस स्टेट इलेक्शन में 80 सीटों के साथ आरजेडी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी या यूपीएल से पहली बड़ी पार्टी बन गई है ना। अब लॉजिक का मैजिक देखो, चूंकि राज्य में उनके पास 80 विधायक हैं, तो उन्होंने इस बार के राज्यसभा के चुनाव में जहां तक मुझे याद आ रहा है 4 या 5 एमपी चुन करके भेजा है राज्यसभा में, मतलब राज्यसभा में आरजेडी लालू जी की पार्टी के 4 से 5 एमपी है। इन एमपी को कौन चुनता है? जनता ने विधायक वोट करते हैं, इन एमपीओ का चुनाव विधायक करते हैं। तो जिस पार्टी के पास जितने ज्यादा राज्य में विधायक होंगे उस पार्टी का उतना ज्यादा एमपी राज्यसभा में होगा। तो देखो लोकसभा में आरजेडी नहीं जीत पाया इसलिए यहां उसका विधायक सॉरी एमपी नहीं है, लेकिन यहां क्योंकि राज्य में उसके विधायक ज्यादा जीत गए इसलिए यहां राज्यसभा में एमपी 4-5 लोग चला गया। और इस तरीके से चूंकि बीजेपी के यहां पर उतनी सीटें नहीं थी, बीजेपी के पास राज्यसभा में कितना है, तकरीबन 98 एमपी है। अब ध्यान दीजिए मेरी बात, राज्यसभा में टोटल सीट्स कितनी होती है, बहुत ध्यान से समझना, 250। अगर यहां कितना है 450, अगर 445 है, तो हालांकि है तो टोटल 452, टोटल नंबर ऑफ सीट दिमाग में रख लो कॉम्पिटेटिव एग्जाम टीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सेंट्रल यानी कि केंद्र लोकसभा में टोटल नंबर ऑफ सीट्स होती है 552, कितना 552, बट इलेक्शन हेल्ड ऑन ओनली 543, चुनाव कितने पे होता है 543 एंड टू पीपल, दो एमपी आर द एंग्लो इंडियंस एंड दे आर सेलेक्टेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो चुनाव नहीं लड़ता, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दो एंग्लो इंडियंस को चुन के भेज देता है पार्लियामेंट में एमपी बना के। अच्छा ये एंग्लो इंडियन कौन है, क्रिश्चियंस। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज क्रिश्चियंस की पॉपुलेशन हमारे भारत में इतनी कम है कि शायद जाति या धर्म के नाम पे उन्हें वोट ना मिले, जो हमेशा भारत में देखा गया है कि वोट जाति और धर्म के नाम पे मिलता है, तो कोई क्रिश्चियन जीत ही नहीं पाएगा इस मामले में, इसलिए दो एंग्लो इंडियंस को चुन करके राष्ट्रपति भेज देता है। दिमाग में रखना कि 552 मैक्सिमम सीट्स, 552 मैक्सिमम सीट्स, 545 मेंबर होंगे और चुनाव 543 का होगा, इसका आधा कितना होगा ऑलमोस्ट 273, इसका आधा होगा ऑलमोस्ट 125। अब समझो बीजेपी के पास कितना है, 330 मेजोरिटी है, बहुत ज्यादा है, मतलब लोकसभा से बीजेपी जो बिल चाहे वो पास करवा सकती है। इन शॉर्ट अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज मन कर जाए आज रात में कि अब आने वाले 20 साल तक भारत में चुनाव नहीं होगा और हम अगले 20 साल तक हम ही प्रधानमंत्री रहेंगे, तो ये बिल वो लोकसभा में ला भी सकते हैं और पास भी करवा लेंगे, क्योंकि भैया 273 का जगह 330 सीटों के साथ मेजॉरिटी पार्टी है। लेकिन मुद्दा कहां फंसेगा उस पॉइंट का मतलब यही है, आफ्टर लोकसभा व्हेन द बिल गोज टू राज्यसभा हियर ही नीड 125, 125 प्लस 126 सीट चाहिए जीतने के लिए, पास कराने के लिए, एंड बीजेपी इज हैविंग ओनली
सो हियर ही वांट सपोर्ट. इसीलिए लिखा है कि एनी लॉ या बिल कैन नॉट पास यूनिलैटरली, मतलब किसी एक की मर्जी से नहीं हो सकता, यहां राज्यों की मर्जी भी चाहिए. अब अगर पूरे राज्य के एमपी सब मिलकर अब आरजेडी का एमपी भी बोल दे कि हाँ भैया ठीक है आप मुझे दिला जाइए 20 साल तक, ठीक है भाई रह जाएगा नहीं, सारा सांसद दूसरे दूसरे पार्टी का सांसद भी अगर उनको सपोर्ट कर दे तब तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर नहीं करेगा तो भी पास नहीं होगा, अब भी खत्म हो गया. उस पॉइंट का मतलब समझ में आ गया आप सबको. हालांकि मैंने आपको कहा था ये होता है और ये नहीं भी होता है. भारत का संविधान इतना ज्यादा फ्लेक्सिबल है कि ये मोस्ट वारियर संविधान है ना मेरे हिसाब से. अब आपको मैं प्रूफ करता हूँ कि मोदी जी चाहे तो इसको कैसे कर सकते हैं. वो अलग बात है, वो तो बात की बात है. सुप्रीम कोर्ट मतलब फाइनल अंपायर है, मतलब लास्ट बॉल पे आएगा कहेगा नो बॉल क्रिकेट आउट नहीं है, चाहे कह देगा हाँ आउट, वो तो लास्ट में आएगा. अभी समझो कैसे मोदी जी कर सकते हैं उतने ही पर 98 पर वो कैसे पास करा लेंगे. देयर इज अ प्रोविजन गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान ने एक लाइन लिखा है कि ऑन द यू कैन से अनुशंसा नेम क्या बोलते हैं उसको रिकमेंडेशन, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट कैन कॉल ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट. अब जरा गणित समझिए, गणित जैसे ही ज्वाइंट सेशन बुलाया जाएगा प्राइम मिनिस्टर के बाद पे अनुशंसा पे रिकमेंडेशन पे प्रेसिडेंट बुलाएगा तो देखो लोकसभा कितना चाहिए 273, राज्यसभा 126, जोड़ो 639 7 8 9 2 1 3 399. बीजेपी के पास कितना है यहाँ 330 और यहाँ 98, जोड़ो 8 9 12 14 1 4 428. बिल पास हो गया तो एक ही बार में दोनों जगह से काम है खत्म है ना. तो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली कि यूनिलैटरली चीजें नहीं भी हो सकती है बट ज्वाइंट सेशन बुला के चीजों को यूनिलैटरली किया भी जा सकता है. दोनों बातें हैं, क्लियर है बात. चलिए बहुत हो गया, इसको नोट करने की जरूरत है कि आपको नहीं है आपको प्रकांड विद्वान है जरूरत होगी तो वीडियो देख लेंगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बढ़ा देंगे. चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग व्यूज पर ध्यान नहीं देते हैं. वीडियो होने वाला है 400, सब्सक्राइबर पहुंचा है 200. ध्यान लोग नहीं देते हैं. चलिए कोई बात नहीं, अच्छे दिन आएंगे ना. चलो आएगा अच्छा दिन आएगा, अपना भी टाइम आएगा, हम ही हम होंगे ना. अब हम कहने का मतलब मैं नहीं, हम होंगे है ना. चलिए सो व्हाट वी हैव टू डू नाउ नेक्स्ट. अच्छा होल्डिंग टुगेदर कमिंग टुगेदर बता दिया था ना. होल्डिंग टुगेदर मींस व्हेन अ सिस्टम होल्ड द एंटायर सिस्टम, और कमिंग टुगेदर मतलब अलग अलग लोग एक साथ आ करके बड़ा पावर बना ले. दैट्स ऑल, बहुत इजी है. चलिए अगर टाइम में डिस्कस करेंगे खत्म करना है. चलो एक क्वेश्चन लिखोगे आज, पहला क्वेश्चन आज के लिए जल्दी से. What do you mean by the term linguistic states? What do you mean by the term linguistic state? What do you mean by the term linguistic states? Chal. Dekho, basically when after partition, जब हुआ क्या कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट होना स्टार्ट हुआ तब बहुत खिचड़ी पकी हुई थी. खिचड़ी कहने का मतलब है कि वी हैव मोर देन 550 प्रिंसली स्टेट्स, मतलब लगभग 572 550 से ज्यादा राजा थे.
है ना। आप ये समझ लो कि जो आपका मुजफ्फरपुर है ये भी है ना, शायद मैंने बताया था आपको कि नवाब है ना मुजफ्फर शाह के नाम पे मुजफ्फरपुर है। तो ऐसे छोटे छोटे जगहों पे नवाब हुआ करते थे, राजा थे, अवध था, मगध था, है ना, अलग अलग राजा थे। यू कैन से 100 किलोमीटर का रेडियस में लिया एक राजा है। इस तरीके से बहुत सारे किंग्स थे। अच्छा, दे ऑल हैव देयर अनडिफाइंड बाउंड्री। अनडिफाइंड बाउंड्री का क्या मतलब होता है? ऐसा क्षेत्रफल या ऐसा एरिया जिसकी कोई बाउंड्री नहीं है। आपके हमारे भारत में कॉन्सेप्ट है अश्वमेध यज्ञ का, जहां पे घोड़ा छोड़ दिया, घोड़ा जहां तक गया वो सब उस राजा का हो गया। तो कोई डिफाइंड बाउंड्री नहीं थी। तक इतना अगर ये अगर मैप है, मान लो अगर ये मैप है किसी राज्य का, तो ये क्यों है? इट इज नॉट गिवन। तो एक टारगेट, एक चैलेंज ये भी था कि हमें अपने स्टेट्स की बाउंड्री को डिफाइंड करना है। दैट इफ वी आर सेइंग एनी पार्ट एज अ बंगाल, तो हम बंगाल क्यों बोलते हैं उसको? इफ वी आर सेइंग महाराष्ट्र, गुजरात, तो भैया गुजरात क्यों गुजरात है ना? पहले उसका नाम वहां पे एक एक एरिया का नाम सौराष्ट्र हुआ करता था, तो भैया गुजरात क्यों बना? तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने यह प्लान किया कि वी नीड टू पूरा भारत तो है यूनाइट, बट वी नीड टू यूनाइट या यू कैन से ब्रिंग टूगेदर सिटीजन्स या पीपल ऑफ सेम स्पोकन लैंग्वेज मैक्सिमम, मतलब एक जैसे भाषा बोलने वाले मैक्सिमम लोगों को एक टेरिटरी में ले आओ, ताकि कम्युनिकेशन इजी हो जाए और यू कैन से गवर्नमेंट की प्रोसेसिंग बहुत आराम से हो जाए, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल गुजरात, तो ये पढ़ा क्यों? तो गुजराती बोलने वाले लोगों का गुच्छा है गुजरात। महाराष्ट्र, मराठी बोलने वालों का गुच्छा है महाराष्ट्र। तमिलनाडु, तेलुगु, केरला, कन्नड़ है ना, तेलंगाना, मलयालम, समझ रहे बात आप, असम, असमीज, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग राज्यों का गठन किया गया ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। तो अब आपका मैंने क्वेश्चन क्या लिखवाया था? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म लिंग्विस्टिक स्टेट? तो आपका आंसर क्या लिखोगे आप? द टर्म लिंग्विस्टिक स्टेट डिफाइंस, द टर्म लिंग्विस्टिक स्टेट डिफाइंस डिफाइंस फॉर्मेशन ऑफ अ स्टेट, फॉर्मेशन ऑफ अ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ सेम लैंग्वेज एंड कल्चरली एक्टिव पीपल सांस्कृतिक तौर पे, है ना, लोगों के आधार पे। अब देखो कल्चर का यहां पे क्या रोल है। अब आप देखो इन 2000, आपको सबको याद होना चाहिए या दिमाग में रखना, ऑब्जेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट है, एनपीएससी वगैरह में। 2000 में क्या हुआ था? तो सन 2000 को झारखंड अलग हुआ बिहार से। आपने कभी सोचा कि झारखंड को ऐसी क्या चुल बजती थी कि वो अलग हो गया ट्राइबल स्टेट से? सो झारखंड पीपल दे हैव अ क्लेम दैट दे आर ट्राइबल क्लैंस, उनके भगवान है आज भी कौन? बिरसा मुंडा। आपको रांची में अलग अलग जगहों में झारखंड के राज्य डिस्ट्रिक्ट में बिरसा मुंडा की स्टैचू मिल जाएगी और आपको उसके नीचे लिखा हुआ मिलेगा भगवान बिरसा मुंडा। सेम चीज आपको कहां मिलेगी लिखी हुई? आप चले जाओ आंध्र प्रदेश और वहां पे आपको स्टैचू मिलेगा किसका? तो भगवान अल्लूरी सीताराम राजू। अल्लूरी सीताराम राजू, एक मिनट, कौन हमको बोला था कि अति पढ़ा दीजिए नेशनलिज्म इन इंडिया? नाम सुनी वाले मुझे सीताराम राजू का, ये भगवान स्कूल में पढ़ा दिया तुम्हारे? नहीं, तो आप सेंट के लिए। आज आप
अल्लूरी सीताराम राजू वॉज अ फोक हीरो. He was a folk hero of Andhra Pradesh. Padhna hai aapko nationalism in India chapter mein. He belongs to Andhra Pradesh. He was a spiritual man. वो बहुत धार्मिक व्यक्ति था और बहुत सालों के सन्यासी टाइप का दिखता भी था. बहुत सालों की तपस्या, ऐसा लोगों को बताया उसने, ट्राइबल था, आदिवासी था, बहुत सालों की तपस्या करके वो आया है ऐसा बताता था. और भाई साहब को साइंस और एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज था. सन्यासी वगैरह था या नहीं था पता नहीं, लेकिन उनको जानकारी थी साइंस की और नॉलेज की, एस्ट्रोलॉजी की. भाई साहब करते क्या थे, उनको पता था कि कौन सा है ना, यू कैन से क्या कहते हैं, फूल पत्ती पेड़ के रस को तोड़ के देने पर कौन सा रोग ठीक हो सकता है. तो जो ट्राइबल बीमार होते वो उनको कोई कोई दे देता, आयुर्वेद का नॉलेज था और लोग समझते कि भाई भगवान जी चमत्कारी है, कुछ दे देते पत्ता वत्ता तोड़ के रोग ठीक हो जाता है. भाई साहब को ये पता था कि जब प्रचंड गर्मी पड़ रही हो और सामने तेज हवा चलेगी, बिकॉज लो प्रेशर और हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है और उसकी वजह से मॉनसून का मॉइस्चरफुल विंड आएगा और इसकी वजह से बारिश होगा, तो भाई साहब प्रिडिक्ट कर देते. जब लोग आता उनके पास दौड़ते हैं, त्राईमाम प्रभु सूखा पड़ रहा है, तड़प रहा है, कहता कि जाओ 1-2 दिन में बारिश हो जाएगा. तो आंख बंद के बोलते कि बारिश हो जाएगा, पहुंच जाता. तो साइंस है, सब फेम, सब फैन बन गया बाबा जी की जय. नहीं है ना वो वाले बाबा, नहीं होगा कौन से बाबा, गरीबों वाले बाबा की जय ना. तो गरीबों वाले आदिवासी बाबा की जय जयकार हो जाती. अच्छा, उन्होंने बहुत एक्टिव रोल प्ले किया है ट्राइबल रिवॉल्ट में, क्योंकि उन्होंने इतना हील किया लोगों को, शराब नहीं पीना है, साफ सुथरा रहना है. और साथ ही साथ अंग्रेजों से लड़ने के लिए वो बोलते क्या थे कि विद द स्पिरिचुअल पावर आई बिकम अ रॉक बॉडी. मतलब अपने बारे में उन्होंने ये प्रिडिक्ट कर रखा था, बताया था लोगों को कि अगर वो बुलेट के सामने खड़े हो जाए, अंग्रेज एक गोली चलाया, गोली के सामने शक्तिमान बन के खड़े हो जाएंगे, सुपरमैन की तरह गोली उनके बॉडी से टकराएगा और गिर जाएगा. दैट ही कैन सर्वाइव विद बुलेट शॉट्स ऑल्सो. गोली भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, वो अजर अमर है. बाद में बाबा जी डेंगू से मर गए ऐसा. लेकिन भगवान है तो झारखंड सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर, इट्स अ ट्राइबल कल्चर, यही है इसमें. चलिए डन. अगला क्वेश्चन लिखेंगे आप, एक क्वेश्चन लिखोगे, इन्वर्टेड कॉमास में स्टार्ट करोगे. द डिवीजन ऑफ द सेपरेशन करो, द सेपरेशन या फॉर्मेशन, द सेपरेशन या स्लैश डालते फॉर्मेशन, द सेपरेशन स्लैश फॉर्मेशन of linguistic states, of linguistic states, the separation ya formation of the linguistic states feared many leaders That India will divide into many parts. Many parts. But the outcome, experience shown. That India get united more. अपना क्लोज करेंगे आप इन्वर्टेड कॉमा एंड लिखेंगे लास्ट में एक्सप्लेन द स्टेटमेंट. इंडिया गेट यूनाइटेड मोर और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करके आप इसको लिख देंगे लास्ट में एक्सप्लेन द स्टेटमेंट. एक्सप्लेन, देखो अगर उसको समझाया है कि नहीं, पुरुषों को समझाया भी नहीं है, फिर से बोल देते हैं. देखो बेसिकली क्या हुआ
जब ये राज्य बंट रहे थे भाषा के आधार पे, तो नेताओं को लगा कि यार ये गुजरात बांट रहा है, गुजरातियों को अलग कर रहा है मराठियों से, राजस्थानियों को अलग कर रहा है गुजरातियों से, पंजाबियों से, पंजाब पंजाबी नहीं, तो ये लोग तो अलग अलग अपने आप को मानेगा, इससे तो देश बट जाएगा, देश के टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हुआ क्या, इंडिया और मजबूत हो गया। सवाल ऐसा क्यों हुआ, तो आपका सिंपल एक लाइन का आंसर आप लिखेंगे, जो ये लिखेंगे कि व्हेन द लैंग्वेज ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज द स्टेट डिवाइडेड इट क्रिएटेड अ सेंस ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान के लिए प्यार और सम्मान की भावना बढ़ गई हर राज्य के मन में। रीजन ये था कि राज्यों को ये लगा कि संविधान तो हमारा संविधान है, इस संविधान ने हमको सब कुछ दिया है। अगर एक आइडियल पिता कौन है, एक आइडियल पिता वो है जो अपने सारे बच्चों को बराबर सब कुछ देता है। आप देखो एग्जाम्पल मैंने शायद पहले भी दिया हो, है ना, धीरू भाई अंबानी का। अनिल डूब गया, अपने अपने कर्म से डूब गया, लेकिन मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी में बराबर अपनी संपत्ति बांटी धीरू भाई अंबानी ने, कोई कमी कोई ज्यादा नहीं, कोई पक्षपात नहीं किया, जबकि वो भी जानते थे कि मुकेश इज मोर केपेबल। फिर भी मुकेश को पूरा प्रॉपर्टी या पूरा चेयरमैन नहीं बनाया सब कुछ का, दोनों में बराबर बराबर कंपनियां बांट दिया कि भैया इन सारे कंपनियों का चेयरमैन तुम, इसका तुम, ले जाओ अच्छा धंधा चलाओ। उसने अपने कर्म किए और वो बन गया क्या, द रिचेस्ट मैन ऑफ इंडिया, और दूसरा बैंकक्रप्ट हो गया, दिवालिया हो गया। तो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज फॉर द एवरी सिटीजन ऑफ अ कंट्री। द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स एवरीवन रिस्पेक्ट एंड इक्वल राइट्स, वेदर दे आर मेजोरिटी और द माइनॉरिटी, चाहे वो अल्पसंख्यक मुसलमान हो या बहुसंख्यक हिंदू हो, सबको बराबर सम्मान बराबर हक दिया है संविधान ने, इसलिए सबको लगता है कि संविधान हमारा ही है ना। तो दिस इज द रीजन दे गेट फॉर मोर यूनाइटेड। अगला प्रश्न लिखेंगे आप, चलिए क्वेश्चन क्या है सर, लिखते रहिएगा और मतलब अपने कॉपी में, और जो ना आए उसको आप पूछ लीजिएगा। देखो कि पहला व्हाई हिंदी वॉज सेलेक्टेड एज फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज, एज फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज एंड नॉट द नेशनल लैंग्वेज। ये भी लिखा चुका है क्या, बढ़िया। नहीं, हमको कभी सब को रहा नहीं अपने टैलेंट पर, लेकिन फिर भी कभी कभार लगता है कि कुछ ज्यादा ही टैलेंट, बस भ्रमण नहीं किया सर। चलो डन। देखो हिंदी स्पोकन बाय 40% पॉपुलेशन। अब आप कहोगे सर भारत में केवल 40% लोग जब हिंदी बोलता है तब तो 60% लोग हिंदी नहीं बोलता है, इसका मतलब कि हिंदी तो सबसे बड़ी भाषा नहीं हुई। लेकिन ये है, कैसे है, बिकॉज 40% सिटीजन ऑफ द कंट्री टूगेदर स्पीक्स हिंदी, और बाकी जो 60% है ना उनमें बहुत डाइवर्सिटी है, गुजराती, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, है ना, असमीज, बंगाली, मराठी, पंजाबी, बहुत भाषाएं हैं। हिंदी बोलता है और 60% लोग जो हिंदी नहीं बोलता है, ठीक, ऐसे समझो। मान लो कि आप लोग की संख्या अभी कम लग रही है इन कंपैरिजन टू बॉयज, तो आप सब है जो हिंदी बोलते हैं, ठीक है, आप सब हिंदी बोलते हैं, और ये ज्यादा ग्रुप है और ये सब क्या है, हिंदी नहीं बोलते हैं। लेकिन इनमें क्या है कि सपोज करो राज जो है वो क्या है, उर्दू बोलता है, ये पंजाबी बोलता है, वो
वो मराठी बोलता है, वो असमीज बोलता है, वो बंगाली बोलता है, वो गुजराती बोलता है, मतलब ये लोगों की संख्या तो ज्यादा है लेकिन एट द सेम टाइम इनमें डाइवर्सिटी भी बहुत ज्यादा है, दे आर नॉट कलेक्टेड। ऐसा नहीं है कि हिंदी 40% तो कोई दूसरा भाषा 60%, तब हिंदी छोटा हो जाए, लेकिन हिंदी 40 और बाकी सब 5% 7% वाले हैं। इसलिए हिंदी 40% की लैंग्वेज होने के बाद भी हिंदी इज द मेजॉरिटी स्पीकिंग लैंग्वेज। इसलिए इसको क्या बनाया गया, फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया। लेकिन फिर सवाल ये है कि जब ऐसा है तो इसको नेशनल लैंग्वेज क्यों नहीं बनाया गया? तो याद रखना, इट वॉज बिकॉज ऑफ द प्रोटेस्ट ऑफ द साउथ इंडियन लीडर्स, वन हु आर इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। सबसे बड़ा, बोलिए, आएंगे वहां आएंगे, सबसे बड़ा जो प्रोटेस्ट किया था वो किया था टी कृष्णमाचारी, मिस्टर टी कृष्णमाचारी। He was a leader from South India, basically Tamil Nadu region, and he was protested very, very fondly. उन्होंने कहा कि if Hindi imposed over us, then we will do protest, and we want a separate state. मतलब हम एक अलग देश की मांग करेंगे on the basis of our language. और हम भारत से अलग हो जाएंगे, पूरा साउथ कट जाएगा, मतलब तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, ये सब गायब, ये अलग देश होगा, ठीक है, भाषा के आधार पे। यही रीजन था कि जवाहरलाल नेहरू के चाहने के बाद भी, जवाहरलाल नेहरू बहुत ज्यादा चाहते थे कि हिंदी देश की राष्ट्रीय भाषा बने, लेकिन वो नहीं बना पाए हिंदी को राष्ट्रभाषा देश को एक रखने के लिए, और इसको ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया। फिर बात ये हुई कि इन द साउथ इंडिया, इन साउथ इंडिया देयर आर सो मच डाइवर्सिटी इन लैंग्वेज, एक भाषा तो है नहीं, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, नहीं तो भैया आप किसको बनाएंगे अपने यहाँ का सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज? अगर आप तमिल बनाएंगे तो तेलुगु कन्नड़ वाले बोलेंगे हम गाय पीछे रह जाए, तो एक फिर से बाइफर्गेशन पैदा हुआ। इसीलिए क्या किया इन्होंने, कहा कि भैया हम लोग ठीक ठाक अंग्रेजी बोल लेते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, हमको इंग्लिश चाहिए, सो इंग्लिश बिकम द सेकंड लैंग्वेज, सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज यू कैन से फॉर इंडिया। हालांकि 1962 में जवाहरलाल नेहरू का मन डोला, नहीं उनका मन डोला, और उन्होंने क्या किया, इंग्लिश को हटा दिया, हिंदी को नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाया, इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज से हटा दिया, रिमूव कर दिया। इसका इतना तगड़ा विरोध हुआ कि 1965 आते आते दोबारा उनको अपनी गलती सुधारनी पड़ी और इंग्लिश परमानेंट सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज तब से आज तक है। अब तो रहेगा ही रहेगा, तो भैया गार्जियन भी कहता है, देश का भारतीय नागरिक भी कहता है कि हिंदी आवे चाहे ना आवे, अंग्रेजी सर अंग्रेजी नहीं बोलता है हमारा बच्चा, कैसे बोलेगा भाई, आपको ऐसे नहीं करता है तो बचवा कहां से बोलेगा। बहुत फर्क है भाषा, देखो कोई भी भाषा हो, चाहे वो इंग्लिश हो या हिंदी हो या कोई भी, विद एनवायरमेंट इट डेवलप्स, इफ यू हैव अ एनवायरमेंट इट विल डेवलप, If you have no environment, it will not. हमारे एक मित्र हैं, कभी मौका मिलेगा तो मैं उनको बोलूंगा, उनका बेटा है, होगा कितना मुश्किल से हमको लगता है कि 1.5-2 साल का होगा, वो अपने बेटा के साथ घर पे बात ही नहीं करते हिंदी में ना, बोलते हैं कम हियर सिट। उस दिन आज से लास्ट वीक में गया था, मतलब ईच एंड एवरी वर्ड ही इज यूजिंग इन इंग्लिश एंड ही वॉज डूइंग फॉलोइंग द सेम, 2 साल का बच्चा इंग्लिश का सारा बात पर फॉलो एक्ट कर रहा था, he said, है ना कि उसका नाम रखे हुए सौरभ, सौरभ है ना, से हेलो टू अंकल, उन्होंने कहा, उसने तुरंत बोला हेलो अंकल, टेक ब्लेसिंग्स, वो आया चल के पर्च हुआ, भगवान 2.5 साल का बच्चा है, कहाँ कहते हैं मुजफ्फरपुर की बात है, क्या बात कर रहा है, 2 साल का बच्चा मम्मी पापा नहीं बोलता है, एक्ट नहीं करता है,
नहीं, जब वो मम्मी पापा बोल सकते, अरे बोलना आता है यार, 2 साल का बच्चा बोल लेता है भाई, 2 साल का बच्चा बोल लेता है भाई, हम 6 महीना नहीं बोल रहे हैं गलती से, 2 साल का बच्चा है, बोल लेता है, चल लेता है 2 साल का बच्चा। अच्छा एक सेकेंड, आप 2.5 साल, गवर्नमेंट रूल कहता है कि 2.5 साल तो उसको डाल देना है नर्सरी में, किंडरगार्टन में, तो 2.5 साल का बच्चा स्कूल जाएगा और 2 साल का बच्चा घर पे इनसे बात नहीं बोलेगा, क्या बात है? मतलब तो जो जो एक्ट बताया उन्होंने वो सब कुछ किया नहीं, इवन गो एंड फच वाटर, हाँ गया पानी का ग्लास लिया पिया, इसको बोला जाता है वेल ट्रेन्ड, ही इज नॉट वेल लर्न्ड, बहुत अंतर है इसमें समझो। मतलब किसी के बारे में मैं नहीं बोल रहा हूं, जब एक कुत्ता आपकी बात को सुनने लगता है, कम हियर एंड पिक दैट बॉल, वो कुत्ता वेल लर्न्ड नहीं है, वो वेल ट्रेन्ड है, वैसे ही वो 2 साल का बच्चा वेल लर्न्ड नहीं है, वेल ट्रेन्ड है, उसको इशारे पता चल गए कि जब मेरे पापा बोलेंगे गो एंड फेच, तो फेच का मतलब पानी का ग्लास उठाइए, ऐसे सिखाया जाता है चीजों को, एक बार समझ रहे हो? तो ये एनवायरनमेंट है, बड़ा होते होते ना हो जाएगा। कोलकाता में एक स्कूल है लामा टेनियर्स हाई स्कूल, मतलब लामा टेनियर्स बॉयज एंड लामा टेनियर्स गर्ल्स सेपरेट, that is a purely English medium school, मतलब you can say top 3 schools of Kolkata, purely English medium, मतलब भैया चपरासी को भी इतनी अच्छी English आती होगी कि जो अच्छे अच्छे अफसर को नहीं है, क्योंकि वहाँ का selection procedure ही है, if you know very good English speaking and communication and all that, then only you can hire. अच्छा लड़के भी जो है ना, मतलब student, they all are from very rich family, नहीं बहुत, मतलब यू कैन से बहुत ज़्यादा महंगा स्कूल है, हाई फाई स्कूल जिसको हम बोल सकते हैं यार ना, 2007-08 की बात है, उस समय फीस रहा होगा, उस समय उन लोगों का 3,000-4,000 रुपया, अभी तो फीस बहुत रहा होगा, लाखों में होगा फीस, तो कहने का सालाना मंथली 7,000-8,000-10,000 ऐसा आ रहा होगा। स्टूडेंट्स के भी नाम निक नेम्स जैक्स हेनरी है ना, कैरी हैरी नहीं, हाँ मतलब चूंकि उनकी भी हॉकी टीम हुआ करती थी, तो हम लोग का एक स्टेट लेवल में मैच था उनके साथ, तो देख रहे हैं कि ऊपर है जेम्स पास द बॉल, हम लोग पंजाबी स्कूल के सिख मुंडे, पंजाबी होता रहता था, पंजाबी आते रहते थे, हॉकी मारना मैनू खत्म हो गया गेम, तो दे यूज्ड टू से दे आर ब्रिलियंट प्लेयर्स बॉयज हैविंग नो मैनर्स एग्जैक्टली, kind of abusing, right? ऐसा होता है, भाषा ये। चलिए अब आप एक क्वेश्चन और लिखेंगे, चलो डर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैं जीते क्योंकि उसके पीछे का बहुत बड़ा रीजन ये है, नहीं not because of their names, because of their family background. Shuki, they belong to very rich class, rich family. तुमको पसीना चुवाने की आदत कम है, हम लोग है ना भूखा नंगा परिवार से, तो कुल मिलाकर के पसीना ज्यादा चुभता था, तो ग्राउंड में ज्यादा रहते थे, तो फिजिकल ज्यादा हो जाता था, इसलिए मैच जीते थे, आप माने या ना माने, लेकिन मैच जीते। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी शेड्यूल लैंग्वेजेस वी हैव इन आवर कंट्री, हाउ मेनी शेड्यूल लैंग्वेजेस वी हैव इन आवर कंट्री, 21, 21,
हाउ मेनी शेड्यूल लैंग्वेजेस वी हैव इन आवर कंट्री 21 डन आबादी को टारगेट करते हुए, ठीक है? चलो डन। एक आध क्वेश्चन बस लिख लो। देखोगे why language is separated from the rights of state authorities. चलो इसका मतलब से समझ लो। क्वेश्चन ये है कि किसी राज्य सरकार से भाषाओं को अलग किया गया हुआ है, इसका मतलब ये है कि any government cannot impose any language over anyone. The citizens of the country or the state. Yes, they are free to promote. मतलब बंगाल में बंगाली भाषा को प्रमोट करने का अधिकार है ममता बनर्जी के पास, लेकिन वो बंगाल के हर नागरिक को फोर्स नहीं कर सकते कि तुमको बंगाली ही बोलना होगा या बंगाली में ही सब कुछ करना है. So government can promote a local language or a language, but they can't impose. So this is what exactly the meaning. चलिए थोड़ा सा बच गया है चैप्टर का, जो रेस्ट पार्ट है वी विल कंप्लीट इट नेक्स्ट डे. मोर ओवर फ्राइडे को अपना क्लास है ना, नहीं भी होगा तो लगाएंगे, फ्राइडे को क्लास लेंगे. आप ये बुक लेके आएंगे और डाउट जो होंगे सुन ले आएंगे, और सिलेबस लाना बिल्कुल मत भूलिएगा. चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें.